दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश कटारिया जी, नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लोकेश कटारिया जी से बात करूं, उनका साक्षात्कार करूं, क्योंकि जिस तरीके से दबे कुचले और शोषित और पीड़ित वंचितों के लिए तमाम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में लोकेश कटारिया जी भी हैं। और आए दिन मैं उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ तो ये मुझे हमेशा मेरठ बुलाते हैं कि आप मेरठ आ जाइए, लेकिन समय की इतनी कमी है कि मैं मेरठ नहीं पहुंच पाया। तो लोकेश कटारिया दिल्ली में ही आए और मैं सीपी में हूँ इस वक्त। तो लोकेश कटारिया से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर वो आगे चल रहे हैं और किस तरीके की हेल्प वो शोषित पीड़ित और वंचितों की करना चाहते हैं। लोकेश जी स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जी संविधान, जय भारत। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप जैसे भाइयों का जो समाज की आवाज़ घर घर पहुँचाते हैं और हमारी आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। असल में पूछे तो हमारा आधे से 90% काम आप लोग ही करते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन रास्ता तो आप लोग अच्छा दिखाते लोकेश हैं। जी, शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब, क्योंकि आप युवा हैं, और कैसे शुरुआत हुई और कितने साल पहले आपने शुरुआत की और क्या सोच पैदा हुई कि नहीं, मुझे शोषित पीड़ित और वंचितों के लिए मुझे काम करना है। देखो, अब से 5 साल पहले मैंने इसका कार्य शुरू किया था, जब लोग कोई संगठन ना जय भीम का कोई नारा था इतना खास, लेकिन हमारे ही समाज की, हमारे ही गांव में एक बेटी थी, हमारी भतीजी लगती थी, उसको ढंग के कुछ दबंग लोगों ने अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया और 15 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। और हत्या इस प्रकार से की थी, उसकी आंख तक फोड़ दी थी। उस स्थिति को देखा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जो मुजरिम थे वे छाती चोरी करके घूमे। उस लड़की के साथ ये वारदात हुई, उसके बाद उसके बाबा जी, उसके पापा जी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। कुछ चंद नेताओं ने, जो समाज के गद्दार है साले, उन लोगों ने उसमें कंप्रोमाइज करा दिया और आज वो हैवान और दोषी खुलेआम घूमता है। लेकिन मैं क्लियर बता दूं, जब से मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें दूसरों की तरफ को ना देख कर सीधी कंधे पर बंदूक अपने धरनी चाहिए, अगर लड़ाई लड़नी तो खुद लड़नी चाहिए। लोकेश जी, अभी जो कांस्टेबल प्रवीण जिनका जाटव प्रवीण जाटव जो थे, जी उनका कहीं ना कहीं, और बड़ा केस ये उछला भी है जी मीडिया जी में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको दिखाया है कहीं ना जी कहीं, तो सवाल ये उठता है कि उसमें जो पूरी रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने 2 गोलियां मारी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी अगर एक गोली कोई अपने सर पे मार ले तो दूसरी गोली तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो उस समय उसकी डेथ हो चुकी होगी जी जी और वो भी बिल्कुल पास से वहां पर जो है गोली लगी थी उनको। तो क्या कहेंगे इस केस में, क्या चल रहा है, आप तो देख रहे हैं उस केस को, आप उसके परिवार वालों से भी मिले हैं, तो क्या चल रहा है उस केस में अभी? देखो, हम लोगों ने 31 अक्टूबर को उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और गोली उस टाइम वो खाना खा रहे थे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वो खाना खा रहे थे और खाना खाते दफ़े कोई सुसाइड नहीं करेगा, ये तो नॉर्मल सी क्लियर सच है। और चलो हमने मान भी लिया कि सुसाइड करेगा, तो आदमी अगर अपने सिर में एक गोली मारेगा तो दूसरी गोली खुद मार ही नहीं सकता। और जो बताया गया है वहाँ पे, जो छानबीन की हम लोगों ने, वहाँ पता लगा है कि जो दरोगा था, उसका सीनियर जो दरोगा था, उसकी सर्विस रिवॉल्वर वहीं पाई गई है। लेकिन वहाँ के कप्तान एसएसपी साहब ने इस मामले को दबा दिया है। हम लोगों ने फिर 2 नवंबर को डीएम साहब का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा, सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन कुछ हमारे ही समाज के चंद गद्दारों ने मेरठ में कमिश्नरी पार्क घूमा, घेरा और 20-25 लोगों को लेकर, उसके परिवार, माँ बाप को लेकर, भाइयों को लेकर वहां पर धरना दिया। वो अच्छी बात है, वहां तक सीमित है, लेकिन उसके बाद वे लोग लालच में आ गए, उन्हें लालच में डाल दिया कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और एक नौकरी मिल जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से, अगर आपके घर में से कोई मर जाए, या आपका भाई मर जाए, आपकी बहन मर जाए, या मेरी बहन मर जाए, या भाई मर जाए, कोई मार दे, क्या मैं चंद पैसों के लिए उनका सौदा कर दूंगा? तो मैं खास करके मैं बता देना चाहता हूँ, उस केस में अब कुछ नहीं रहा, लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी, हम सीबीआई जांच की फिर भी मांग करेंगे, लेकिन कुछ चंद नेताओं ने उस मामले को ठंडे बस्ते डला दिया है। अच्छा, अभी एक जो अभी एक एडवोकेट है सुरजीत सम्राट, उनका बयान आता है रविदासी समाज समाज नहीं है और वो कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंट हैं, इस तरीके के तमाम बयान सुरजीत सम्राट जी के द्वारा दिए गए जो दिल्ली कोर्ट में ही है। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस तरीके का क्या है, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे रहते हैं। देखो, तो भीम आर्मी की पहले से ही पॉलिसी थी, पहले चंद्रशेखर ने लोगों पर उंगली उठाई, उसके बाद आरएसएस के, तो असल में वे पूछो तो वे लोग। देखो, रविदास या धर्म, जो पंजाब के अंदर, अदर कंट्री में पता नहीं कितने देश है जहां पर गुरु रविदास जी का नाम चलता है। देखो, मैं ये नहीं कहता, सबसे पहले तो भगवान गौतम बुद्ध जी रहे जिन्होंने मानवता का एक संदेश दिया, उसके बाद गुरु रविदास जी ने पाखंडवाद से और नशा से हम लोगों को सत्संग द्वारा या
वाणियां गा के या किसी तरह समाज सुधारने का काम किया। उसके बाद हमारे धर्म राजगुरु रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संसद भवन पहुंचाने का, यहाँ तक कि पढ़ने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार पढ़ने का अधिकार दिलाया। उसके बाद साहब काशीराम जी ने गांव गांव जाकर पैदल पैदल चलकर बहुजन मिशन आगे बढ़ाया। और उसके बाद है बहन जी, बहन जी को लोग गाली भी देते लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया। और मैं बता दूं, सुजीत सम्राट हमारे बड़े भाई है, हमारे समाज के हैं, एडवोकेट है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मैं उनसे निवेदन मान लो या चेतावनी तो नहीं दे सकता, खैर मेरे समाज के अगर कोई अदर भी अदर समाज का होता या कोई मनुवादी होता तो मैं चेतावनी भी दे देता, लेकिन उनसे मैं स्पेशली हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि रविदास या धर्म पर उंगली ना उठाए। ऐसे कितने भंते हैं जिनको मैं आरएसएस के दिखा दूंगा, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो देखो, रविदास या धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, भगवान गौतम बुद्ध जी का ही अंश है, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध हो या रविदासी हो या अंबेडकरवादी हो, सब एक है, इन्हें बीच में से फाड़ने का कार्य ना करें। और मैं बता दूं, जो हमारे सुखदेव वाघमारे जी हैं या निरंजन दास जी हैं या जो भी एनीवे जो बड़े बड़े, आज ये बताइए तुगलकाबाद रविदास मंदिर तोड़ा गया था, अगर पंजाब वाले कॉल ना करते, पंजाब वालों के ही कहने से लोग आई है रविदास जी के, रामलीला मैदान पे लाखों की भीड़ दिखी, अगर ये लोग ना कॉल करते, ये लोग सपोर्ट ना होता, तो इतनी बड़ा जनाधार नहीं आवेता, ना तो आप आते सुजीत भाई साहब, ना आवेते आपके जो इस बात को कह रहे हैं। तो मैं उनसे स्पेशली उन्हें एक बात की तोहिन नहीं दे, वो एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी गुरु रविदास जी पर उंगली न उठाए वरना बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। हम फिर तो अब अभी 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 लोकेश लोकेश कटारिया और क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप मेरठ से हैं और अभी राजस्थान में भी आपने अध्यक्ष चुना 12 है। राज्यों में जी जी हाँ, 12 राज्यों में आप सक्रिय हैं, तो अभी और क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं शोषित पीड़ित और वंचितों के लिए, तो और क्या क्या आने वाले आपके प्लान हैं और क्या क्या चीजें करेंगे आप उन तमाम गरीबों के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए? देखो, जहां पर भी कोई कार्यक्रम होता है सबसे मेन चीज हमारा जमीनी स्तर का कार्य है। कहीं पर भी हर गांव में हमारी मीटिंग चलती है, डेली अपडेट देते हैं, हम 48 घंटे काम करते हैं समाज के लिए। एनी टाइम कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खड़े रहते हैं हमेशा। तो जब मैं लीड कर रहा हूँ पूरे उसको संगठन को, मुझे लीडर बनाया गया समाज के द्वारा, मैं खुद नहीं बना। तो अगर मैं लीडर हूँ तो जब लीडर जमीनी स्तर पर काम करेगा तो जो मेरे से मेरे साथ के मेरे भाई या मेरे बहनें हैं तो वे मेरे साथ उससे दुगना काम करेंगे। और आने वाला फ्यूचर प्लान ये है कि गांव गांव में भीम पाठशाला चलवाई जाएगी और कहीं पर भी किसी बहन बेटी पर अत्याचार नहीं होने देंगे, और जो समाज के अंदर नशाखोरी या गलत कार्य हो गए उनका विनाश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो समाज के गद्दार बने बैठे हैं उन गद्दारों का सफाया भी हम लोग ही करेंगे। तो लोकेश कटारिया जी थे, तमाम बातें आपने सुनी, और एक सवाल और भी है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं कुछ नहीं है पास में, ना पॉकेट में है, सिर्फ मन में है कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ उन तमाम गरीबों के लिए, उन शोषित और पीड़ितों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिलता है। लोकेश जी एक सवाल और है, अभी हाल ही में रामदेव जी ने एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर आकर एक बात कही है कि जो पेरियार के बारे में भी उन्होंने बोला है, पेरियार राधा स्वामी जी जो कि बहुजन बहुजनों के कहीं ना कहीं आ, आ, बहुत बड़े लीडर हैं और लीडर थे, और साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और एक एक ये मुद्दा चल रहा है कि स्वामी रामदेव जी ये कहते हैं कि जो वैचारिक आतंकवाद एक तरीके से कहा जाए ये है कि वो मूल निवासी थ्योरी को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सारे लोग एक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेरियार और अम्बेडकर जी ने इस तरीके की वैचारिक वैचारिक आतंकवाद जो है वो फैलाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको वैचारिक आतंकवाद है ये, क्या उनके आप बयान से सहमत हैं? देखो, ये जो रामदेव जी हैं, मैं देखो किसी को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अच्छे परिवार से हूँ और मुझे अच्छे संस्कार सिखाए, और बाबा साहब भी ये कह गए थे जो भी बोलो संविधान के दायरे में बोलो। देखो, स्वामी रामदेव एक इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तो मैं उनसे खास करके ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी ना करें, क्योंकि बाबा साहब दुनिया के विश्व रत्न है और जो बाबा रामदेव है एक पूरे प्रदेश के भी रतन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो बात आई है ना कि वैचारिक आतंकवादी, सबसे बड़े आतंकवादी तो आरएसएस के ही हैं, आपकी टीम के लोग हैं, जहां भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं आरएसएस से लिगड़े गए, या जितने भी है आरएसएस इनका सबका बाप है मौन भागवत, सारा सिस्टम वही चलवा रहा, ये जो बयान जानबूझ के दिए जा रहे हैं ताकि दलित आंदोलन करें उग्र हो, और ये आंदोलन के नाम पर हम लोगों को, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, रामदेव ने अपने विचार रखे, हम कानूनी कार्रवाई के तरीके से संविधान के दायरे में होकर
उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम संगठन के लीडरों से और तमाम अपने मिशनरी भाइयों से और अपने संगठन के लोगों से, कोई भी कदम गलत ना उठाए, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आवेश में आकर किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक कार्य ना करे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये जानबूझ के बयान देते हैं, ये जानबूझ के मंदिर तोड़ देते हैं, ये जानबूझ के ऐसे स्टेप उठाते हैं कि ताकि हमारे दलित आंदोलन के नाम पर हमें दंगे की आग में झोंककर हमारे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने पढ़ाई की जगह उनके हाथों में से कलम छिनवाकर हमारे हाथों में डंडे और हथियार थमवाने का ये कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ लोकेश कटारिया जी थे। तमाम बातें आपने सुनी, रामदेव जी को भी बड़ा उन्होंने स्पष्ट लहजे में उनको भी आंसर दिया है। तमाम बातें जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं पूरे देश में और जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं पे मैंने बात की है, और बड़े स्पष्ट तरीके से बड़ी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने इसके जवाब दिए मुझे। और आपको बता दूं, मैं लोकेश कटारिया जी का जो संगठन है नेशनल भीम आर्मी, ये 12 से 13 स्टेटों में चल रहा है और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। लोग लोग भी इनके पास हैं, मन है और सिर्फ काम करने का मन है, सिर्फ शोषित पीड़ित वंचितों को इंसाफ दिलाने का। तो इस तरीके के लोग जब समाज में उतरते हैं और समाज का भला करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के उन दबे कुचले और गरीब लोगों को कहीं ना कहीं जरूर इंसाफ मिलता है, क्योंकि लोकेश कटारिया जैसे लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। तो तमाम खबरों के आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया। फोटो ले लेंगे।